नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दोपहर के 2 बजने वाले हैं, 2 बजे बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ एनकाउंटर के मामले पर लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा एनआईए मामले की जाँच करेगी। राजनाथ सिंह ने कहा आतंकी घटनाओं के सिलसिले में अब तक कुल 6 गिरफ्तारियां हुई, एटीएस ने पुख्ता सबूतों के आधार पर कार्रवाई की। संसद में राजनाथ सिंह ने आतंकी सैफुल्ला के पिता का जिक्र किया, कहा हमें सरताज पर गर्व है। अमेरिका में भारतीयों पर हमले के मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र से सवाल पूछा, सरकार चुप क्यों है। खड़गे ने कहा सरकार के पास कोई रणनीति नहीं, अमेरिका में हमारे नागरिक परेशान हैं। अमेरिका में भारतीयों पर हुए हमलों पर लोकसभा में बोले राजनाथ सिंह, कहा भारत सरकार गंभीर है, अगले हफ्ते जारी होगा आधिकारिक बयान। अमेरिका में भारतीयों पर हमले के खिलाफ टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन, संसद भवन में गांधी की मूर्ति के सामने नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने सिमी के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, धारा 110 के तहत कार्रवाई। मध्य प्रदेश पुलिस ने ट्रेन ब्लास्ट मामले में अहम सुराग मिलने की बात कही, धमाके के लिए इस्तेमाल किए गए पाइप पर छपे थे ISIS के नारे। ट्रेन ब्लास्ट में था ISIS का हाथ, पाइप पर लिखा था इस्लामिक स्टेट, वी आर इन इंडिया। लखनऊ एनकाउंटर के बाद दिल्ली में अलर्ट, खुरासान गुट के 2 फरार आतंकियों के दिल्ली की तरफ आने की आशंका है। संसद के आसपास सुरक्षा बढ़ी, होली के दौरान वारदात को अंजाम दे सकते हैं आतंकी। दिल्ली के सभी जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, मॉल, धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाली जगहों पर निगरानी, पहाड़गंज में होटल्स में स्पेशल सेल ने तलाशी अभियान शुरू किया। लखनऊ एनकाउंटर के 24 घंटे के अंदर यूपी पुलिस अपने बयान से पलटी, 2 बड़े अफसरों के अलग अलग बयान आए सामने। लखनऊ एनकाउंटर में मारे गए आतंकी के संबंध ISIS से नहीं, यूपी पुलिस के ADG दलजीत चौधरी का दावा। यूपी पुलिस ने कहा खुरासान ग्रुप बनाकर खुद अपनी पहचान आतंकी बनाना चाहते थे। एनकाउंटर पर जेडीयू नेता KC त्यागी का बयान, कहा पुलिस की कार्रवाई पर संदेह करना ठीक नहीं, लेकिन बिना जांच के किसी संगठन का नाम लेना भी गलत है। कांग्रेस नेता PL पुनिया का बयान, कहा आतंकवाद के खिलाफ किसी भी लड़ाई में कांग्रेस हमेशा सरकार के साथ। लखनऊ के अशबाग में दफनाया गया आतंकी सैफुल्ला का शव, आतंकी के शरीर से 6 गोलियां निकाली। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, तीसरे की तलाश जारी। आतंकियों के खिलाफ राष्ट्रीय राइफल्स और SOG का ज्वाइंट ऑपरेशन, गोलीबारी रुकी, सर्च ऑपरेशन तेज। आतंकियों के साथ एनकाउंटर के दौरान स्थानीय लोग रुकावट बने, सुरक्षा बलों पर पथराव किया। केरल में एक और BJP नेता पर जानलेवा हमला, कन्नूर के मंडल उपाध्यक्ष सुशील पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया, अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर। टीवी रियलिटी शो के ऑडिशन में भजन गाने पर मुस्लिम महिला को फेसबुक पर धमकियां मिली, पब्लिसिटी के लिए भजन गाने का आरोप लगा। जी कन्नड़ चैनल के CEO राघवेंद्र हुंसू का बयान, कहा शो में पहले भी मुस्लिम गायकों ने भजन गाया है, इसे लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। सुहाना सैयद मामले में JDU नेता शरद यादव का बयान, कहा दूसरे धर्म का गीत गाना गलत नहीं, ऐसा पहले भी होता रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का बयान, कहा किसी गीत में पूजा है तो मुस्लिमों के लिए उसे गाना गलत है। सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा का बयान, कहा धर्म के आधार पर देश को बांटना गलत है। उपहार मामले में गोपाल अंसल को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का 20 मार्च तक सरेंडर करने का आदेश, सुशील अंसल की तर्ज पर राहत दिए जाने के लिए मांग की थी कोर्ट से। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पूर्व सैनिक रामकृष्ण को मुआवजा देने की फाइल वापस लौटा दी, कहा ड्यूटी पर नहीं, जहर खाने से मौत हुई थी। यूपी में 1 सीट के लिए वोटिंग जारी, आलापुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का निधन हुआ था। उत्तराखंड की कर्णप्रयाग सीट पर मतदान जारी, BSP उम्मीदवार के निधन की वजह से यह चुनाव टला था। मणिपुर के 8 विधानसभा क्षेत्र के 34 पोलिंग स्टेशन पर आज दोबारा से वोटिंग हो रही है, पहले चरण में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। 11 मार्च को देखिए सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक कवरेज, सत्ता का गुलाल, जी न्यूज पर सुबह 6 बजे से लगातार। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले आज शाम जी न्यूज पर देखिए महा एग्जिट पोल, शाम 5 बजे से लगातार। बीजेपी नेता स्वाति सिंह ने यूपी में BJP की सरकार बनने का दावा किया, समाजवादी पार्टी पर कहा जीत का विश्वास था तो क्यों किया कांग्रेस से गठबंधन। यूपी के शाहजहांपुर में वाहन चेकिंग के दौरान महिला दारोगा और 2 सिपाहियों पर हमला किया गया, लाठी और डंडों से पीटा, BJP प्रत्याशी के बेटे पर आरोप। यूपी के चित्रकूट में समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने शिकायत की, पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। आगरा में घर के बाहर खड़ी 2 बाइक और 1 स्कूटी में आग लग गई, फायर ब्रिगेड पर देर से आने का आरोप।
यूपी के बागपत में बदमाशों ने कार पर फायरिंग कर दी, कार में सवार महिला की मौत हो गई। इलाहाबाद में एसटीएफ ने बरामद की हथियारों की बड़ी खेप, 3 लोगों की गिरफ्तारी भी। समाजवादी पार्टी के नेता अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्रवाई का आदेश दिया, मारपीट के आरोप अतीक अहमद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार वालों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। यूपी के जालौन में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। यूपी के हापुड़ में लिफ्ट देकर दंपत्ति से 50,000 की लूट की गई। कौशाम्बी में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, हाथ में लगी थी नैनी सेंट्रल जेल की मुहर। कानपुर में बाइक सवार समेत बाइक को क्रेन से उठाकर ट्रैफिक पुलिस लेकर गई, बाइक सवार ने अपील की थी बाइक ना ले जाने की, जिससे ट्रैफिक पुलिस ने अनदेखा किया। आज से शुरू हुए सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम, 10वीं के लिए 9,00,000 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं। टीएमसी की सत्ता पर जीत का शिवसेना ने जमकर जश्न मनाया, उद्धव ठाकरे ने रोड शो किया। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना का हंगामा, किसानों की कर्ज माफी न होने तक कार्रवाई नहीं चलने देने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के विधान पार्षद प्रशांत परिचारक सदन से सस्पेंड हुए, सेना पर आपत्तिजनक बयान दिया। किसानों के लिए कर्ज माफी की मांग पर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ, विपक्षी विधायकों ने कर्ज माफी की मांग पर नारेबाजी भी की। मुंबई के पेडर रोड पर कार ने बैलेंस खो दिया, डिवाइडर से कार टकरा गई, ड्राइवर घायल। मुंबई में 60 साल के बुजुर्ग पर नाबालिग से रेप का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में खुला पत्नी पीड़ित संघ का आश्रम, पत्नी से पीड़ित लोगों की मदद का इरादा। बीती रात दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई, मौसम कुछ ठंडा, तापमान में भी गिरावट। दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप को पकड़ा, एक आरोपी की गिरफ्तारी। दिल्ली में तमिल फिल्मों के स्टार श्रीनिवासन गिरफ्तार, 5 करोड़ की ठगी का आरोप है। ग्रेटर नोएडा में खराब मिठाई के गोदाम पर छापेमारी, सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेज दिए गए। ग्रेटर नोएडा में बैंक से 13,00,000 की लूट हुई, बैंक मैनेजर की गाड़ी लेकर चोर फरार। कश्मीर की तुलना बलूचिस्तान से नहीं हो सकती, भारत में पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल बासित का बयान। लुधियाना में 2 कैदियों ने साथी कैदी के साथ मारपीट की, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर प्रशासन में हड़कंप, जेल में मोबाइल कैसे पहुंचा इसकी जांच शुरू। राजस्थान के बूंदी में गोदाम में आग लगी, 3 लोगों की मौत, एक शख्स झुलस गया। राजस्थान के डूंगरपुर में शराब के नशे में एक पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी, वारदात के बाद से पिता फरार है, तलाश कर रही है पुलिस। राजस्थान के कोटपुतली में 50,00,000 की अवैध शराब जब्त की गई, हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी ये शराब। राजस्थान के अलवर में बाइक चोरों के गैंग का भांडा फोड़, 10 बाइक बरामद की गई। इंदौर में एक फल की दुकान में आग लग गई, 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मध्य प्रदेश के भिंड में पकड़े गए हथियारों के तस्कर, 8 बदमाशों के पास से 4 पिस्टल बरामद। के मुरैना में एक बस ने बाइक को टक्कर मार दी, बाइक सवार की मौके पर मौत हुई, बस में सवार 12 लोग घायल। एमपी के सतना में कलेक्टर के आदेश पर विवाद हुआ, नहर के पास शौच करने वालों पर जुर्माना और जेल में डालने की बात कही थी। बिहार के समस्तीपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद रामचंद्र पासवान ने अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी, डांसर्स के साथ ठुमके लगाए। देहरादून में अगले 72 घंटों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, मैदानी इलाकों में भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अंदेशा। हैदराबाद पुलिस ने एक पाखंडी को गिरफ्तार किया, इलाज के बहाने 17 साल की लड़की से रेप का आरोप। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बाइक चोरों का खौफ है, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की तस्वीर। आतंक को जम्मू कश्मीर के युवाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया, श्रीनगर में 126 युवा बीएसएफ में शामिल। जम्मू कश्मीर हाईवे पर बर्फबारी का असर पड़ा, कई जगह वाहनों की लंबी कतारें, कई जगह जाम भी लगा। दिल्ली में आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रदर्शनी, महिलाओं के हाथ से तैयार हुआ सामान बढ़ावा, जिसे देने का मकसद इस प्रदर्शनी का। मथुरा में अबीर और गुलाल की बरसात हुई, होली के रंग में रंग जन्मभूमि रंगी। इलाहाबाद में संगम के तट पर फूलों की होली मनाई गई, सन्यासियों का प्रशासन ने साथ दिया। राजस्थान के भरतपुर में मनाया गया ब्रज महोत्सव, गायक कुमार सानू को सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए। उत्तराखंड के ऋषिकेश में विदेशियों ने होली खेली, 7 समंदर पार से पहुंचे होली मनाने। उत्तराखंड के हल्द्वानी में होली मनाई गई, फागुन के गीतों पर सैकड़ों महिलाएं थे। पटना में बिहार विधानसभा में होली मनाई गई, विधायकों मंत्रियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत ने कदम बढ़ाया, कुछ समय के लिए वीटो का अधिकार छोड़ने के लिए भारत तैयार।
एसबीआई ने खाते में न्यूनतम रकम नहीं रखने पर लगाए गए जुर्माने की बात को सही बताया। चेयरपर्सन ने कहा 10 करोड़ से ज्यादा जनधन खातों की वजह से बोझ बढ़ा है। नेपाल के बीरगंज में पुलिस और मधेसियों के बीच में भिड़ंत हुई, पुलिस वालों ने लाठियां बरसाई। फ्लोरिडा के बोट यार्ड में भयंकर आग लग गई, हादसे में कई दर्जन नाव जलकर खाक। अमेरिका के मिशिगन में तेज आंधी के बाद पेड़ उखड़ गए, स्कूल की छत को भी नुकसान पहुंचा, 200 छात्र सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिए गए। पेरू की राजधानी लीमा समेत कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा, अब तक 43 की मौत। टर्की के इस्तांबुल में 2000 महिलाओं का प्रदर्शन हुआ, महिला अधिकारों के लिए बेहतर पॉलिसी बनाने की मांग महिलाओं ने। ग्वाटेमाला के सेंट जॉन पिनोला में अनाथालय में आग लग गई, हादसे में 19 बच्चों की मौत, 25 घायल। मोसुल में आईएसआईएस से छुड़ाए गए घरों की तलाशी, इराकी पुलिस को घरों में छिपे आतंकियों की तलाश। अमेरिका के डिट्रॉयट एयरपोर्ट पर विमान फिसल गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की बास्केटबॉल टीम सवार थी, हादसे में किसी के नुकसान की खबर। उत्तर कोरिया में बार बार मिसाइल परीक्षण से अमेरिका गुस्से में, राजदूत निकी हेली ने कहा सभी विकल्पों पर विचार हो रहा है। चीन के शांगजी प्रांत में आकर्षण का केंद्र बने बाघ के दो बच्चे, वाइल्ड लाइफ पार्क में उमड़ी लोगों की भीड़। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतरी महिलाएं, डोनाल्ड ट्रंप को बताया महिला विरोधी। मुंबई में ब्लाइंड गर्ल्स ने किया रैंप पर वॉक, अभिनेता जॉन अब्राहम और डायरेक्टर सुभाष गई हौसला अफजाई के लिए पहुंचे।